पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से शिमाल की जानेब कोह हिंदूकुश के दामन में मुल्क के दिलकश तरीन इलाकों में से एक इलाका चित्राल। यहाँ के बुलंद पहाड़ों की चोटियां आसमान को छूती नजर आती हैं। यह कौमी पार्क अपने रंग बदलते मनाजिर, सीधी ढलवानों और खास तौर पर एक बहुत ही मुनफरिद जानवर मारखोर की वजह से मशहूर है। जैसे ही बुलंदोबाला चट्टानों से खिजां की ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं, मारखोर को साल के सबसे मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। मारखोर दुनिया का सबसे बड़ा जंगली बकरा है। नर मारखोर का वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा भी हो सकता है, जबकि इसके बल खाते हुए खूबसूरत सींग 1 मीटर से भी लंबे हो सकते हैं। मादा मारखोर कदरे छोटी होती है, ये इसके लिए फायदेमंद भी है। साल के इस मौसम में मारखोर सदाबहार झाड़ियों, शाहबलूत के दरख्त का फल और इसके पत्तों से खुराक हासिल करता है, जबकि मादा मारखोर वजन में कम होने की वजह से आसानी से दरख्तों पर चढ़ सकती है और वो नए और रसीले पत्तों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाती है। मारखोर की जबरदस्त गिरफ्त उसके दो मुंह वाले खुरों और पाओं के नरम तलवों की वजह से होती है, जिसके वजह से वो पथरीली ढलवानों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। नर मारखोर अगरचे ज्यादा ताकतवर और खसूसियात का हामिल होता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकता। इसकी बजाय वो अपने भारी सींगों को दरख्त से टकराता है ताकि पत्ते और फल झड़ जाएं। ऐसा करने के बाद उस पर हक जमाना भी वो अपना फर्ज समझता है। गर्मियों के इख्तिताम पर जब वो ऊंची चरागाहों को छोड़कर नीचे उतरते हैं तो उन्हें रोजाना खुराक की तलाश में 8 से 12 घंटे खर्च करना पड़ते हैं। ये खुराक उन्हें पहाड़ों की दर्जों और नालों से हासिल होती है। मादा एक या दो बच्चों को जन्म देती है जो उसके साथ तकरीबन 1 साल रहते हैं, लेकिन ये छोटे खानदान अपनी हिफाजत के लिए दूसरे रेवड़ों में जा मिलते हैं। छोटे और ना तजर्बेकार मारखोरों को बर्फानी चीते, सुनहरी अकाब, भेड़िए और जंगली बिल्लियां शिकार करती हैं। बड़े जानवर तो रास्ते से वाकिफ होते हैं, जबकि छोटी उम्र के मारखोरों को सीखने की जरूरत है। इन्हें न सिर्फ अपनी जान बचाने के रास्ते मालूम होने चाहिए, बल्कि उस जरूरी खुराक का भी पता होना चाहिए जो उन्हें आम खुराक में नहीं मिल पाती। ये सब कुछ इस पहाड़ी नदी के पार है। तेजी से बहता, पत्थरों को काटता हुआ यह ठंडा पानी मादनी नमकियात को वाजे कर रहा है। मारखोर इस मादनी नमक को बहुत शौक से चाटते हैं। यह नमक इन्हें आने वाले मुश्किल महीनों का मुकाबला करने की ताकत देता है। नर मारखोर के लिए सबसे मुश्किल वक्त दिसंबर के पहले 2 हफ्ते हैं। नर मारखोर उमूमी तौर पर अकेला ही रहता है, लेकिन इन दिनों में वो एक दूसरे पर नजर रखते हैं।
इस दौरान इसकी कैफियत में कशीदगी और मुकाबले का रुझान बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद यह फैसला करना होता है कि किस नर ने मादा मारखुरों के साथ मिलाप करना है। मुकाबले का आगाज होता है। सिर्फ जिसामत और ताकत का ही मुकाबला नहीं, बल्कि ज़मीन की साख्त और खड़े होने की जगह जीत और हार में अहम किरदार अदा करती है। नतीजा बड़ी अहमियत का हामिल है। मुकाबला सूरज ढलने तक जारी रहता है। जीतने वाला मारखोर 30 मादा के साथ मिलाप कर सकता है और हार जाने वाले का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो जाता है। नतीजा जो भी हो, मगर चित्राल गोल में तकरीबन 1500 मारखोर की आबादी पार्क की सेहत और इसके मालियाती निजाम के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। यह खुराक के निजाम की मरकजी कड़ी है और इनकी बढ़ती हुई आबादी से चित्राल गोल का मुस्तकबिल ज्यादा यकीनी नजर आ रहा है।